हेलो नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अधिगम मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक और नए वीडियो के साथ, जहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स, वो भी डिटेल्ड में प्रॉपर डिस्कशन के साथ, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो किन बच्चों का नॉर्मली एक डाउट होता है, सर ये क्लास किस एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियरी है, या ये क्लास इस एग्ज़ाम्स में हेल्प करेगी या नहीं करेगी। देखो भाई, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, सिलेबस स्टडी किया हुआ होगा। अगर सिलेबस स्टडी किया हुआ है तो उसमें पीजीटी इकोनॉमिक्स होगा, इकोनॉमिक्स में अब टॉपिक्स होंगे, टॉपिक्स नहीं है तो इकोनॉमिक्स होगा। इकोनॉमिक्स में ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 100% आपको करना ही होगा। और अगर टॉपिक्स दिए हुए हैं तो वहाँ पर डिटरमिनेशन ऑफ इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट का टॉपिक दिया हुआ होगा, या एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का टॉपिक दिया होगा। और अगर आपके ये टॉपिक मैच होते हैं तो डेफिनेटली ये क्लास आप ही के लिए है। और अभी तक हमने वही कॉन्सेप्ट डिस्कस करे हैं जो कि सीधे सीधे आपके लिए हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और वही चीज़ों को डिस्कस किया है जिनसे आपको मिलेगा सिलेक्शन। क्योंकि जितने ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उतनी ही ज़्यादा हमारे MCQ के सही होने की जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तो सर एक बार हमें ये और बता दीजिए कि अभी तक हम बेसिकली इसमें कर क्या क्या चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा था, उसके बाद कल हम लोगों ने सेविंग फंक्शन पढ़ा था जिसमें हमने MPC, APC राइट, और MPS, APS, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, एक्सेंटे इन्वेस्टमेंट या एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट, है ना। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ से, और हमने ये भी देखा था कि किस तरह से क्वेश्चन जो है वो बनता है, तो वो भी चीज़ हम लोगों ने डिस्कस करी थी। तो अगर आपने अभी तक वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो फटाफट से वीडियो की प्लेलिस्ट में चले जाइए और पुराने जितने भी वीडियोस हैं वो सभी एक बार ज़रूर देखें, ताकि आपको आपका डाउट क्लियर हो सके। और फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन है ना, आप ही के लिए तो है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का क्लास, जहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना तीसरा टॉपिक, दैट इज एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। अब बात आती है कि ये डॉक्यूमेंट, ये जो मटेरियल है ये किसके किसका है, ये मटेरियल है सुभाष देव जी का, है ना, जो ऑथर हैं इकोनॉमिक्स के, तो उन्होंने ही ये बुक लिखी है, तो उन्हीं का ही पूरा कॉन्सेप्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ अपना आज का वीडियो। वीडियो को फटाफट से शेयर लाइक कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो सके, और आपके जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी नोइंग है, सबके साथ वीडियो को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो शेयर करना आपका काम है। तो फटाफट से इस वीडियो को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक स्प्रेड कर दीजिए ताकि ज़्यादा लोग कनेक्ट हो सकें। इकोनॉमिक्स के बाद आई एम प्लानिंग फॉर द MCQs राइट। उसके बाद हम लोग MCQ डिस्कस करेंगे कॉमर्स के, तो फिर वो MCQ की सीरीज चलेंगी बढ़िया वाली, जहाँ पर हम कुछ बेहतरीन MCQs और वो भी ऐसे सदाबहार MCQs लेकर के आएंगे जहाँ से सीधा सीधा आपका एग्ज़ाम क्या होगा, क्वालिफाई होगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कनेक्ट होना, क्योंकि वो सेशंस चलेंगे लाइव, और लाइव का मज़ा तभी आता है जब ज़्यादा हों लोग। तो फटाफट से वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए जितने भी लोग हैं सभी के साथ, ताकि ज़्यादा लोग कनेक्ट हो सके। तो चलिए आते हैं अपनी जर्नी पर, अपनी जर्नी को रिज्यूम करते हैं और पढ़ते हैं एग्रीगेट डिमांड। कई बार हमारे माइंड में एक सवाल आता है, आपके माइंड में भी आया ही होगा, एग्रीगेट का मतलब होता है क्या है। तो 11th का अगर हम एक कॉन्सेप्ट देखें, जैसे आपने बुक्स पढ़ी होंगी, तो माइक्रो और एक मैक्रो, ये ना इसका डाइवर्जन हुआ है। जैसे बच्चे EMRS है ना, या आपका CBSE KVS है, या बाकी जो भी हैं, तो उसमें क्या होता है ना, उसमें इकोनॉमिक्स चार पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो ये 11th में चलता है और ये 12th में चलता है। हम लोग तो 11th और 12th को पढ़ाने के लिए ही तो प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना। तो ये 11th में होता है और ये 12th में होता है इन जनरल। अच्छा चलो इसको हटा देते हैं, है ना, क्योंकि हम तो 11th 12th में है नहीं, है ना। हम अब किस तरीके से प्रिपरेशन करने हैं वो मैं आपको बता दूँ। देखो क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। तो जब हम माइक्रो की बात करते हैं तो आपने हमेशा सुना होगा कि माइक्रो इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल और मैक्रो इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट। आप कहोगे यस सर, बिल्कुल यही सुना है सर, सही पकड़ लिए हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं
कि माइक्रो इज ऑल्सो द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, तो आप कहोगे नहीं सर, मैक्रो इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, एग्रीगेट्स मीन स्टैंड फॉर द होल सोल। तो अब मैं आपसे कहूंगा कि साहब नहीं, अब आप मेरी बात सुनो, इंडिविजुअल विच इट इंक्लूड्स, इसमें क्या शामिल होता है, इसमें एक फर्म शामिल हो सकती है, इसमें एक इंडस्ट्री शामिल हो सकती है। अब एक बात बताओ, इंडस्ट्री माने क्या, विच इंक्लूड्स द फॉर्म्स, जिसमें बहुत सारी फॉर्म्स शामिल हैं, जैसे एजुकेशन इंडस्ट्री, एजुकेशन में कितनी सारी फॉर्म्स हैं और उन सब का एग्रीगेट क्या कहलाता है, इंडस्ट्री। तो ये तो इंडस्ट्री तो केवल इंडिविजुअल नहीं है, इट इज द एग्रीगेट ऑफ फॉर्म। यस, अ शॉप, राइट, क्या शॉप। और अगर मैं इसको आगे और बात करूं कि सिर्फ शॉप ही इसमें नहीं आता है, बल्कि मार्केट की, किसी एक मार्केट की स्टडी करना भी माइक्रो के अंदर आता है। तो अब क्या आप ये कहेंगे कि सर मार्केट तो एक ही होता है, लेकिन उसमें वो एग्रीगेट किसका है, सर उसमें तो बहुत सारी तो इस दुकानें होती हैं। तो इसका मतलब क्या कि माइक्रो इज ऑल्सो द स्टडी ऑफ एग्रीगेट, है ना। अगर वो इंडस्ट्री और एक मार्केट की स्टडी कर रहा है, तो इसका मतलब क्या कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एग्रीगेट की स्टडी भी करता है। क्या यहाँ तक ये वाली बात समझ में आ गई। तो अब सवाल ये आता है कि सर तो दोनों में डिफ्रेंसिएशन क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या, दोनों में डिफरेंस ये है कि माइक्रो इंडिविजुअल, एक फर्म, एक इंडस्ट्री, एक दुकान, एक व्यक्ति या एक मार्केट की स्टडी करता है, जबकि मैक्रो, मैक्रो स्टडी करता है होल सोल की। किस की स्टडी करता है, होल सोल की। सर होल सोल मतलब पूरी इकोनॉमी की। तो अगर कहीं पर ये बात निकल करके है ना, तो इस बात को ध्यान में रखना कि मैक्रो क्या है, मैक्रो इज द स्टडी ऑफ होल सोल, इट इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी। माने मैक्रो इकोनॉमिक्स केवल एक मार्केट की स्टडी नहीं कर रहा है, वो होल सोल मार्केट की स्टडी कर रहा है, जितनी भी मार्केट्स इंडिया के अंदर अवेलेबल हैं। क्लियर हो गया, ये वाली बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर एग्रीगेट मतलब जितनी भी पूरे देश भर में डिमांड है वो एग्रीगेट डिमांड है, और उसकी जितनी सप्लाई हो रही है वो क्या है, सप्लाई है ना। डिमांड और सप्लाई मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो हम ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए आते हैं अपनी एग्रीगेट डिमांड पर। एग्रीगेट डिमांड क्या, टोटल डिमांड क्या है, टोटल डिमांड किस चीज़ की, फाइनल गुड्स की। किसी भी अकाउंटिंग ना, किसी भी अकाउंटिंग ईयर, जिसको AY भी बोलते हैं, किसी भी अकाउंटिंग ईयर के दौरान है ना, जो अर्थव्यवस्था में अंतिम उत्पाद की कुल मांग होती है, उसको क्या कहा जाता है, एग्रीगेट डिमांड कहा जाता है। क्या क्या शामिल है, क्या क्या होता है, एक तो होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउसहोल्ड, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउसहोल्ड माने जो हाउसहोल्ड्स हैं उनके द्वारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया जाना। एक होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मेड बाय द फॉर्म्स, जैसे मशीन्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है। एक आता है गवर्नमेंट्स फाइनल एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करता है। इसके बाद आता है नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। तो अगर मैं आपसे कहूं कि AD का मतलब क्या है, तो AD का मतलब है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट प्लस एक्स माइनस, तो ये चार कॉम्पोनेंट होते हैं, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट और एक्सेंट। क्लियर, कंजम्पशन क्या है, जो भी गुड्स हम परचेज करते हैं, जो भी गुड्स और सर्विस हम क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं कंज्यूमर के द्वारा, मेरे द्वारा जो गुड्स और सर्विस परचेज की जा रही है वो क्या है, कंज्यूमर गुड्स हैं, कंजम्पशन है। इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, जो भी फॉर्म्स, फिजिकल कैपिटल, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स में क्या शामिल किया जाता है, फिजिकल कैपिटल और चेंज इन इन्वेंट्रीज,
ये दोनों चीज़ें क्या है, शामिल की जाती हैं किसमें, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्लियर है? तो अगर यहाँ पर दो चीज़ें अब मैं देखूँ, गवर्नमेंट आपको पता ही, एक सेंड आई एम आई आपको पता ही है। तो अभी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अगर हम देखें तो यहाँ पर आ रहा है एडी इज इक्वल टू, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। क्या आपको कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन की इक्वेशन मालूम है? यस सर, ऑटोनोमियस कंजम्पशन प्लस बी वाई प्लस आई। सर आई तो हमारा कांस्टेंट था, तो क्या ये वाली इक्वेशन हमारी बन जाएगी? यस सर बिल्कुल बन जाएगी, बहुत सही। तो अगर ये वाली इक्वेशन हमारी बन जाएगी तो क्या हम इसको ये कह सकते हैं कि ऑटोनोमियस कंजम्पशन प्लस कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट प्लस बी वाई? यस सर बिल्कुल कह सकते हैं। अब ये जो ऑटोनोमियस कंजम्पशन है और जो ये कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट है, ये कहलाता है हमारा ए डैश, और इस डैश को हम बोलते हैं ऑटोनोम, ये तो लिखा हुआ ये रहा ऑटोनोमियस एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं इसको? ऑटोनोमियस एक्सपेंडिचर। क्लियर है कहानी? क्लियर है कहानी? ठीक है साहब। तो यहाँ पर जब हम एग्रीगेट डिमांड की बात करेंगे तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर कंजम्पशन प्लस बी वाई नहीं होगा, ये कंजम्पशन में होता है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा ए प्लस बी वाई, ए प्लस बी वाई, और बी आपको पता ही है स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। क्लियर है? तो यहाँ दो चीज़ें हमारी निकल करके आ गई, एक तो ऑटोनोमियस कंजम्पशन और एक ऑटोनोमियस इन्वेस्टमेंट। क्लियर है कहानी यहाँ तक? आ जाइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ से हमें कुछ करना नहीं है, बस इतनी इक्वेशन हमें समझनी है। अब एग्रीगेट डिमांड क्या है, चेंज हो सकती है ना? ऑटोनॉमस कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, ये एक चीज़ है। यहाँ पर अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें तो हमें एक चीज़ समझ में ये आएगी, यहाँ पर हम बाद में देखेंगे। अच्छा यहाँ पर ना आपको एक चीज़ ये भी ये ध्यान में रखनी है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई, कई बार इस तरह से भी पूछ लेता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ये तो हमें पता है कि इन्वेस्टमेंट हमारा फिक्स कांस्टेंट होता है, तो ये तो लाइन हमने एज इट इज स्ट्रेट ड्रॉ कर दी। और ये भी हमें पता है कि हमारा जो कंजम्पशन होता है वो जीरो से ऊपर स्टार्ट होता है, ये भी हमने जो है स्ट्रेट लाइन जो है ड्रॉ कर दी, ये हमारा कंजम्पशन होता है। इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन मिला करके हमारा बनता है ऑटोनॉमियस एक्सपेंडिचर। क्या बनता है? ऑटोनॉमियस एक्सपेंडिचर। अब इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, और ये वाला यहां पर ये है इन्वेस्टमेंट। सही बात है भाई, ये क्या कह रहा है, ये एडी कर्व है, ये कौन सा कर्व है, ये कंजम्पशन कर्व है, और ये कौन सा कर्व है, ये आई कर्व है। तो अगर एडी में से आप कंजम्पशन माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, इन्वेस्टमेंट ही तो बचेगा। तो अगर इसमें से तो इनके बीच का डिफरेंस किसके इक्वल होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि सी और एडी जो होती हैं वो हमारी पैरेलल समानांतर रेखाएं होती हैं, पैरेलल लाइंस। कैसी लाइंस होती हैं? पैरेलल लाइंस होती हैं। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सप्लाई की बात करते हैं। कीन्स का एनालाइज ये कहता है कि दो सेक्टर इकोनॉमी के अंदर एक्सेंटे में, मतलब टू सेक्टर इकोनॉमी, दैट इन द एब्सेंस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज द वैल्यू ऑफ टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वेजेस टू लेबर, इंटरेस्ट टू कैपिटल एंड रेंट टू लेबर। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गए, वट एवर इज लेफ्ट ओवर इज अप्रोप्रिएटेड बाय द एंटरप्रेन्योर एंड इज कॉल्ड प्रॉफिट। उसके बाद जो उसके पास बच जाता है वो सारा कुछ उसका प्रॉफिट कहलाता है। ठीक है, माने जो भी उसने डिस्ट्रीब्यूट किया है, जो भी उसने अगर टैक्सेस और सब्सिडीज हटा दी जाए तो जो भी उसकी फाइनल गुड्स हैं, उसका जो भी टोटल वैल्यू है और उसको जो उसने डिस्ट्रीब्यूट किया एज अ फैक्टर इनकम के रूप में, उसके बाद जो उसके पास बच रहा है वो क्या है, प्रॉफिट है। एग्रीगेट सप्लाई, अब एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, 945 डिग्री का कर्व बनाता है, और एग्रीगेट सप्लाई क्या है, टोटल इनकम है।
एग्रीगेट सप्लाई क्या है? इनकम। क्या है? इनकम। और इनकम हमने पीछे भी पढ़ा था 45 डिग्री का होता है, और ये जीरो से स्टार्ट होता है, और ये किससे बनेगा? स्ट्रेट लाइन से बनेगा। किससे बनेगा? स्ट्रेट लाइन से। क्लियर है? अब यहां पर क्या हो गया? यहां पर आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, है ना? यहां पर क्या हो गया? यहां पर आपका एग्रीगेट डिमांड कर हो गया, और ये वाला जो पॉइंट आ गया आपका एग्रीगेट डिमांड, है ना, ये यहां पर क्या है आपका, है ना, इसको हम आगे समझेंगे। समझ रहे हो? ये इस तरह का आगे आपको एक कर्व देखने को मिलेगा। चलो, ये चीज तो समझ में आ गई होगी। देखो, आगे समझते हैं। तो देयरफॉर एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय अ 45 डिग्री लाइन, ठीक है? तो वाई क्या है? सी प्लस एस। ये वाई क्या है? देखो, एग्रीगेट सप्लाई आपने क्या पढ़ा था पीछे? सी प्लस आई। ये क्या पढ़ा था आपने? सी प्लस आई। और ये क्या पढ़ रहे हो आप? सी प्लस एस। क्या पढ़ रहे हो? एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। तो अगर मैंने यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल हो रहा है? एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो रहा है। ये चीज़ मैं यहीं बता देता हूँ, क्योंकि ये कर्व आप कर ही रहे हो। तो एग्रीगेट सप्लाई डिमांड किसके इक्वल है? सी प्लस आई के। तो एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल है? सर, सी प्लस एस के। तो इसका मतलब है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किसके इक्वल होगा? सेविंग के इक्वल होगा। और यहाँ पर सेविंग के इक्वल होगा, तो ये यहाँ से ऐसे होता हुआ सेविंग का। क्लियर है कहानी? ये वाली बात, ये वाली कहानी समझ आ रही है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किसके इक्वल होगा? सब सेविंग के इक्वल होगा इस, ठीक है? सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों क्या होंगे? इक्वल। क्लियर है कहानी? ये वाला, ठीक। अब इसमें और क्या चीज़ें हैं भाई? ये चीज़ तो समझ में आ गई। अब यहाँ पर ये जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन क्या बताती है कि साहब यहाँ पर आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है वो ज़्यादा है और आपकी एग्रीगेट सप्लाई कम है। ये वाली सिचुएशन क्या दिखा रही है कि आपकी एग्रीगेट डिमांड क्या है? एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल। और ये वाली पोजिशन क्या दिखा रही है कि आपकी एग्रीगेट डिमांड कम है और आपकी एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर आपको अपनी डिमांड बढ़ानी पड़ेगी। डिमांड क्या है? ज़्यादा है, तो आपको अपनी सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी इस इक्विलिब्रियम पॉइंट को अटेन करने के लिए। और ऊपर क्या है? सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो वहाँ पर आपको सप्लाई कम करनी पड़ेगी, अपनी अपनी क्या करनी पड़ेगी? डिमांड बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है? और इन्हीं चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, है ना, इन्हीं चीज़ों को क्या करने के लिए? कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट स्टेप्स उठाती है। गवर्नमेंट क्या करती है? स्टेप्स उठाती है, क्योंकि यहीं पर चीजें क्या होती हैं जो है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का पता चलता है। यहीं पर क्या पता चलता है? इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का, ठीक है? अब सबको पता है, सबको पता है कि अगर मान के चलिए कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, है ना, मान के चलिए ये पॉइंट है यहाँ पर इक्विलिब्रियम में, ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, पूरा पूर्ण रोजगार स्थिति है, और यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड क्या ज़्यादा है, मतलब चीज़ों की मांग तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उसकी सप्लाई हो नहीं रही है, तो यहाँ पर कौन सी पोजीशन क्रिएट हो जाएगी? क्या यहाँ पर वस्तुओं के दाम नहीं बढ़ने लग जाएंगे? इसको कहा जाता है इन्फ्लेशनरी पोजीशन। क्या बोला जाता है? इन्फ्लेशनरी पोजिशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप समझो कि एग्रीगेट डिमांड क्या है? एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है। एग्रीगेट डिमांड क्या है? एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि खर्चा ज़्यादा है। खर्चा क्या है? ज़्यादा है। खर्चा ज़्यादा है का मतलब क्या होगा? कि सेविंग कम होंगी। अगर सेविंग कम होंगी तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन ये भी बन जाएगी, कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा होगा किसके मुकाबले? सेविंग के मुकाबले। या कंजम्पशन ज़्यादा होगा किसके मुकाबले? इनकम के मुकाबले। ये भी हो सकता है। क्लियर है कहानी? तो ये कौन सी इन्फ्ले, इसको इन्फ्लेशनरी पोजीशन या इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं।
और सेम कहानी यहाँ पर होती है। यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर इसको बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप। क्लियर है? ए और इन्हीं को क्या करती है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। क्या ये वाली बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है, अगर ये वाली बातें समझ में आ रही हैं तो यही चीजें जो हैं हमसे पूछेगा इसी ही तरह की। ये देखो, ये एस इज इक्वल टू वाई होता है ना, यही चीजें क्या करेगा, वो पूछेगा। तो आज बेसिकली हमने यही चीजों को क्या किया है, डिस्कस किया है। इससे ज्यादा ऐसा कुछ था नहीं इसमें आज। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में केवल आपको यही बताना था, क्वेश्चंस किस तरह के पूछ सकता है ना, क्वेश्चंस किस तरह के पूछ सकता है। अगर एक बार अपन लोग वो देख लें तो ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाएंगी। देखो, जैसे ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन टू सेक्टर इकोनॉमी। कौन सा कॉम्पोनेंट एग्रीगेट टू सेक्टर इकोनॉमी में नहीं है, टू सेक्टर में केवल क्या है, हाउस होल्ड और फर्म है, तो नेट एक्सपोर्ट और गवर्नमेंट नहीं है। तो ये जो है हमारा आ गया, हमने केवल क्या टू सेक्टर इकोनॉमी पढ़नी है। क्लियर है कहानी ये वाली? इसके बाद देखो ये वाला, इन टू सेक्टर इकोनॉमी एंड विदाउट एनी इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी एग्रीगेट सप्लाई एंड डैश आर ऑलवेज इक्वल। किसके एग्रीगेट सप्लाई जो है वो किसके इक्वल होती है, एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल होती है? ए एस इज इक्वल टू वाई। अब यहाँ पर वाई किसको डिनोट करता है, इनकम को। अब क्या यहाँ पर एक व्यक्ति की इनकम की बात होती है कि नेशनल इनकम की बात होती है? ऐसे कैसे? क्लियर है कहानी? तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो क्या है, बन जाते हैं, क्या है, बन जाते हैं। क्लियर है ये वाली कहानी? यहाँ तक बात समझ में आ गई है? अगर देखो चीज़ें समझ में आ रही हैं तो क्या है, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना, ठीक है। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो चीज़ें आज मैंने आपको बताई हैं वो भी चीज़ें हम लोग जो है आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेवल में, मतलब कल। तो आज के लिए आपके पास केवल इतना ही है, बाकी तो हमारा डिस्कशन होगा कल, ठीक है। तो कल हम आपसे एक और नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक आप चैनल को शेयर, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे ना, है ना। तो यही उम्मीद है। ये थोड़ा सा ना लेंदी चैप्टर है, लेंदी चैप्टर क्या है यार, मैं चाहता हूँ कि इसका आपको अगर कोई भी क्वेश्चन बने, है ना, इसका आपको कोई भी क्वेश्चन बने तो आप उस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर लो, कोई भी क्वेश्चन आपका खाली ना जाए। तो इसीलिए क्या है कि आप रिवाइज भी कर सको और आपकी जो चीज़ें हैं वो होती भी रहे, इसलिए थोड़े थोड़े जो छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं ना वो हम लोग क्या है यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, परेशानी, दुविधा ना हो। क्लियर है ये वाली बात? तो इसी के साथ वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलेंगे कल आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।